नाम से सरकार के कोई प्रतिनिधि नहीं आए सर आए थे सबसे बड़े प्रतिनिधि आ गए अब आपको सरकार की नहीं कांग्रेस पार्टी की है ना कांग्रेस पार्टी आपका इतना व्यस्तम शेड्यूल है उसके बावजूद भी आए आपके पास उसके बावजूद भी आए आपकी जो समस्या है बहुत जेन्युइन समस्या है मैं यूपी में ज़्यादा काम करती हूँ तो वहाँ पे भी बहुत बड़ी समस्या मतलब देश भर में तो हमने कांग्रेस में जहाँ जहाँ कांग्रेस शासन में है उन प्रदेशों में किया है तो यहाँ भी हमने सबसे बात की है कि हाँ भी अगर हमारी सरकार आएगी तो 10 दिन के अंदर अंदर इसको किया जाएगा हमने गारंटी दी है हमने मैनिफेस्टो आप देखेंगे उसमें हमने लिखा है दो राज्य में कांग्रेस पार्टी ने की है उसके लिए क्योंकि अब काफ़ी समय से वाजपेयी जी के टाइम से है सर जी तो क्या 20-30 साल हो गए होंगे 20 साल हो गए एक लाख पैंतीस हज़ार हमारे रिटायर्ड हो चुके हैं जी तो 1/65 के करीब है तो आपकी मांग क्या है कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं सबके लिए सभी के लिए सभी के लिए जी 2004 से जी नमस्कार 2004 से जो खत्म किए वाजपेयी जी ने वहीं से मिलेगा अच्छा हाँ उसके लिए आपके प्रदेश में हाँ हमने यहाँ का जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को 7,500 और उनको भी देनी पड़ी पेंशन जो पीछे रिटायर है सिर्फ 2,000 प्रदीप जी मैडम आपको ये हमारे इंश्योरेंस देने आए हैं कि हम लागू करेंगे अब आप ताकत से कि जब भी ये मुद्दा उठता है तो सरकार कहते हैं कि कभी हो नहीं सकता क्योंकि पैसे नहीं हैं लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके आपने 1,000 करोड़ रुपए माफ कर रखे उनको आप सारे PSU पकड़ा रहे हो सब जितनी भी देश की संपत्ति है उनको दे रहे हो उसके लिए पैसे हैं लेकिन ये जो कर्मचारी की बात है जो बहुत बड़ी समस्या है कि आप एक्चुअली जब सरकारी नौकरी करते हैं तो आप जब उसके लिए अप्लाई भी करते हैं तो मन में ये होता है कि जीवन भर के लिए फिर हम सेट है ना तो ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन भी होता है कि पेंशन मिलेगा सब कहते हैं गांव में भी जाओ तो सबका जो जिसकी नौकरी सरकार में लगी वो एक्चुअली इसी उम्मीद से कि बाद में बुढ़ापे में भी हम सुरक्षित रहेंगे वही सबसे बड़ी चीज़ है बस मैम आपसे ये रिक्वेस्ट है मैम ये तो हमने तो क्या दिया है कि 10 दिन के अंदर हम तो ऑफिस के साथ है मैम चलो मैं अपनी रैली में आपको पोस्टर दिखा दूँ हाँ जी थैंक यू मैम